नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसके मैकेनिकल टेक में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंच और सूत के बारे में, और हम जानेंगे सूत को इंच में कैसे लिखा जाता है और उसे कैसे बोला जाता है, एक इंच में कितना एमएम होता है और कितना सूत होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक इंच इक्वल होता है 25.4 mm के, और एक इंच में 8 सूत होता है। यानी कि जब हम एक इंच सूत का मान निकालेंगे तो 25.4 mm में 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक सूत का मान mm में निकल जाएगा। यहाँ पे 3.175 mm आएगा, यानी कि एक सूत का मान 3.175 mm है। चलिए हम बारी बारी से सूत, इंच और मिलीमीटर में इसका मान देखते हैं कैसे निकलेगा। जैसे कि मैं पहले बता दिया हूँ, एक सूत को हम 1/8 लिखते हैं, या इसे हम पढ़ेंगे 1/8, और इसका मिलीमीटर में इसका मान होगा 3.175 mm। दो सूत के लिए 1/4, यानी कि 1/4, जब हम दो सूत का मान एमएम में निकालेंगे यहाँ पे, तो दो 2 × 3.175 mm से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक सूत का मान 3.175 mm हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.35 mm, और थ्री सूत के लिए 3/8, यानी कि 3/8 mm में इसका मान के लिए हम 3.175 mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.525 mm, और चार सूत के लिए 1/2 यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 1/2 inch। 1/2 का मतलब हो गया कि 1/2 inch, यानी कि 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.175 में 5 से, तो इसका मान आ जाएगा 12.7 mm, जो मिलीमीटर में चार सूत का मान होता है, और पांच सूत के लिए 5/8, यानी कि 5/8। 5 × 3.175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15.875 mm, और सिक्स सूत के लिए 3/4 लिखेंगे, यानी कि 3/4, और सिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 3.175 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 19.05 mm, और सेवन सूत के लिए 7/8, यानी कि 7/8। 7 × 3.175 इक्वल होगा 22.225 mm, और आठ सूत के लिए यहाँ पे हो जाएगा 1 inch, यानी कि इसका मान हो जाएगा 8 × 3.175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 25.4 mm, यानी कि आठ सूत में 25.4 mm होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे इस हाफ सूत भी होता है, जैसे कि हाफ सूत के लिए 1/16 लिखते हैं, यहाँ पे 1/16 लिखते हैं, और इसे हम बोलते हैं 1/16, और डेढ़ सूत के लिए यहाँ पे 3/16, यानी कि 3/16, और ढाई सूत के लिए 5/16, और साढ़े तीन सूत के लिए यहाँ पे 7/16, यानी कि 7/16, और साढ़े चार सूत के लिए 9/16, साढ़े पाँच सूत के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 11/16, यानी कि 11/16, और साढ़े छः सूत के लिए 13/16, यानी कि 13/16 लिखेंगे यहाँ पे, और साढ़े सात सूत के लिए 15/16, यानी कि 15/16 यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके अतिरिक्त पाव सूत भी होता है, जैसे 1/32। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।